मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। इस वक्त हम जिस मौजू पर बात करेंगे, जिस टॉपिक पर, बड़ा अहम टॉपिक है। जब हम इस रीजन को देखते हैं तो जाहिर है कि कुछ रीजनल पावर्स भी होती हैं, कुछ खित्ते की ताकतें भी होती हैं सुपर पावर्स के साथ, और पाकिस्तान खास तौर पर भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका और ये जो कंट्रीज हैं, इसमें हम अक्सर जो भी ऐसे इश्यूज होते हैं, विजिट्स होते हैं, उस पर भी बात। तो एक बड़ा अहम विजिट हुआ और हमने ये देखा कि जो बांग्लादेश की लीडर हैं हसीना वाजिद, वो इंडिया पहुंची। और इंडिया में ना सिर्फ ये कि उनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, बल्कि इसके अलावा मिस्टर जयशंकर से भी मुलाकात हुई। बड़ा वार्म वेलकम उनको किया गया। कहा गया कि कोई $9 बिलियन से ज्यादा कुछ कर्ज वर्जों की भी बात की गई है, और इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीजें जो है ये बात की गई। तो क्या पाकिस्तान को इसको किस तरीके से लेना चाहिए, इसके ऊपर क्या स्टैंड होना चाहिए? हमारे साथ मौजूद है बहुत वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक अरसे तक काम करते रहे, वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जनाब फैज रहमान साहब। फैज रहमान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया साहब, थैंक यू। बिल्कुल फैज साहब, जैसे कि आप तो खैर बहुत अच्छे तरीके से इन सब मामला पे आप बात भी करते रहते हैं, जानते भी हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस विजिट को? बांग्लादेश के लीडर जो है वो पहुंचती हैं वहां पर इंडिया में, वहां पे उनको वार्म वेलकम किया जाता है। जो बातें जो आपके सामने जो कुछ भी अभी तक आ रहा है उस पे आप क्या कहेंगे? देखिए आलिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन आपने अपने बड़े पॉपुलर यूट्यूब प्रोग्राम पे मुझको आप मधु करती हैं, और इट्स ऑलवेज ए प्लेजर टू टॉक टू यू। और माशाल्लाह आपके जो दूसरे जो जो लोग सुन रहे हैं, वो अगर आपको ट्विटर पे फॉलो नहीं करते तो करें, क्योंकि उस पर भी आपके तबसे जो है बड़े बड़े जानदार और बहुत ही मालूमात अफजा होते हैं। देखिए एक बात तो तय है आलिया, कि ये जो दोनों ममालिक हैं इनकी एक खास हिस्ट्री है, और कुछ अरसे जरूर जब दूसरे कुछ लोग वहां पर इख्तदार में थे तो शायद आपने कुछ सरमहरी देखी ताल्लुकात में, लेकिन जब से हसीना शेख साहबा और एक तवील अरसे से वहां मौजूद हैं तो कुछ थोड़े बहुत नीचे ऊपर वाकयात हुए हैं, लेकिन एक ओवरऑल दोनों में एक इंतहाई गर्म जोशी पाई जाती है ममालिक में। और उसमें अब अगर आपका कहना ये है कि पाकिस्तान को कैसे देखना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये देखिए, इसमें मैं जो कम से कम इसको लेता हूँ, और आई होप कि ये लोग भी इसी तरह से सोचें, इंडिया और बांग्लादेश भी, कि जब इंसान अपनी बेहतरी की बात करता है, मगर मैं पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता हूँ, तो इट्स नॉट ए जीरो सम गेम अगेंस्ट एनीवन एल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भारत के साथ कुछ हाथ करना चाहता हूँ या बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं अपने मुल्क को आगे बढ़ाऊं, वहां के अवाम को वो सहूलतें मुहैया करूं जो कि उनको होना चाहिए। तो यही इसी स्पिरिट से हमको पाकिस्तान को देखना चाहिए कि अगर बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात यानी एक कम से कम माशी लिहाज से अगर बेहतर हो रहे हैं, तो आप ये देखिए वहाँ यू आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल जिनको उसका फायदा पहुंचेगा। और जब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस बल्कि ऑलमोस्ट यू नो मोर देन अ बिलियन पीपल जब उसका फायदा उठाएंगे, तो उससे पूरा आपका रीजन आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई जो दूसरे वहां जो ममालिक हैं, छोटे ममालिक और पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क, उसको भी डाउन द रोड अगर एक वहां पर पॉलिटिकल उस दोनों ममालिक में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ता है, तो उसका जो एक कहना चाहिए कि एक जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी कह सकते हैं आप एक हद तक, कि वो दूसरे ममालिक को भी होगा, उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम भी शामिल हैं। आप ये देखिए कि हम बहुत सी चीजें अपनी सियासी वजूहात की बिना पर हम बोल नहीं पाते, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी हम कहें ना कहें, लेकिन भारत के साथ तिजारत मुख्तलिफ चैनल से जारी है। आपके पास देखिए कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ा मुल्क है प्याज में, खाली आप ही ने गालिबन ये ट्विटर ट्वीट पे किया था कि सबसे बड़ा चीन वो पैदा करता है प्याज को, और फिर दूसरे नंबर भारत। लेकिन हमारे पास जो जो प्याज आती है वो दुबई से आती है, यूएई से, किस टाइम से आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तिजारत तो हो रही है, लोग आपस में एक दूसरे से इन टच हैं, चाहे आप उसको एक यू नो री राउटिंग ऑफ द कॉमर्स कहें, लेकिन बहरहाल
जब एक खित्ते में एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो उसका लामहाला फायदा दूसरे लोगों को भी होता है। तो मैं इसमें कोई चीज अनलेस ये कि कोई वाजे तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिक या पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात की हो और उसका उनका एजेंडा उसमें उसका मामला एजेंड उनके एजेंडा में शामिल हो, मैं उस वक्त तक कोई एक ऐसा नतीजा खस नहीं करूंगा और ये नहीं कहूंगा कि ये हमारे लिए पाकिस्तान के लिए या सीरीजन के लिए बुरा है। एनी कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया इज गुड फॉर साउथ एशिया, एनी थिंग विच इज गुड फॉर साउथ एशिया इज गुड फॉर पाकिस्तान। तो ये एक मेरा डिफरेंट टेक है, हो सकता है हमारे बहुत से मुबसरीन और पाकिस्तानी बहन भाई से इख्तलाफ करें, लेकिन मैं समझता हूँ इट्स गुड। अगेन एज आई सेड कि अगर कोई पॉइंटेड ऐसा एजेंडा नहीं है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हो खुल्लम खुल्ला, उसकी जरूर मैं मजम्मत करूंगा क्योंकि दे हैव नो बिजनेस टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान इन नेगेटिव वे। लेकिन अगर वो दोनों ममालिक अपनी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसका नतीजा पूरे रीजन के लिए अच्छा निकलेगा। और मेरी तो आगे बढ़कर एक ख्वाहिश ये भी है कि पाकिस्तान में हमने बहुत कुछ देख लिया है पिछले अरसे में। अब आप देखिए कि इस वक्त जो पॉलिटिकल जो एक आपका बहरान है उसमें भी आप ये देखें कि बस तो लोग खुलकर बात करने लगे हैं और जो माजी की जो पॉलिसीज हैं उन पर खुलकर कई हवालों से कई मामला पर खुल के तनकीद होती है। तो ये भी एक ऐसा मौजू है जिस पर खुल के गुफ्तगू होना चाहिए। और अभी मेरे ख्याल आज ही शायद एक अपना इनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट आया है फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि भारत से तिजारत को के फरोख पर या उसके मामला पर बातचीत हो सकती है। इट्स गुड। ठीक फैसल, कोई और आपसे अग्री करे या ना करे, कुछ जिस तरह आपने कहा अग्री भी करेंगे, लेकिन मैं फुली अग्री करती हूँ। इसकी वजह ये है कि देखिए, जब हम ये बात करते हैं, जब मैं ये प्रोग्राम कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि अच्छा, उन दोनों मुल्कों के दरमियान अगर मुलाकात हुई है तो पाकिस्तान इसके ऊपर क्या बात करेगा। अच्छा, उसकी एक तो वजह ये है ना कि देखिए, एक तो ये कि दोनों कंट्री से जो है हमारे कोई ऐसे फ्रेंडली रिलेशंस नहीं है, और फिर ये कि हम अगर दो कंट्रीज मिल रहे हैं तो इसमें हमारे हमें जेलस होने की क्या बात है, या ये कि हमें किस वजह से कोई पेन होगा, हम क्यों इसका वो करेंगे। इसकी वजह ये कि फिर शायद हम इमेच्योरिटी का इजहार करते हैं इस तरह, कि हम ये कहते हैं वो देखो ये मुलाकात कर रही है, देखो। इसकी वजह ये कि क्या अगर हमारे किसी से अच्छी ताल्लुकात नहीं है, या हम आगे बढ़ के जो है वो लोगों से ताल्लुकात नहीं बनाते, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरी दुनिया भी ताल्लुकात अच्छे ना बनाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। देखिए एक बात हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश हमारे सबक हमारे हमारे साथ रह चुके हैं ओवर ए क्वार्टर ऑफ ए सेंचुरी। और एक मुस्लिम मुल्क है, करोड़ों लोग यानी वहाँ पर भी कोई 20-21 करोड़ लोग रहते हैं, अक्सरियत उनकी एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मुसलमानों की है। और अगर उसके ताल्लुकात इंडिया से बेहतर होते हैं तो अब वहाँ पर चुके हमको पाकिस्तान को बाकायदा ये कंसर्न है और हम ऑफिस पाकिस्तानी जो है इसको हुकूमती सतह पर सरकारी सतह पर उठा चुके मामला को वहाँ के मुसलमानों के साथ जो मामला हो रहे हैं। तो बांग्लादेश अगर आप देखें अगर एक ब्रॉडर उस पर देखें परस्पेक्टिव पे तो अगर भारत और बांग्लादेश के मामला अच्छे होते हैं तो उसका एक असर आपकी ये जो इंटर कम्यूनल हारमोनी है उस मुल्क में और उस रीजन में उस पर भी पड़ेगा। क्योंकि जब तिजारत करते हैं लोग, जब मामला को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं जहां उनकी मईशत एक दूसरे से जुड़ जाती है तो फिर जो दूसरी जो चीजें हैं नेगेटिव चीजें वो पसे पुश्त डाल दी जाती हैं। तो अगर भारत और बांग्लादेश का कुछ होता है, अगर देखिए इसमें एक और बहुत बहुत अहम बात है इस खबर में, हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको बड़ी अच्छी तरह से कवर किया है कि जब इन तमाम मुलाकातों के बाद फिर वो अजमेर शरीफ गई और वहां पर उनके साथ जो है बहुत ही जबरदस्त उनका इस्तकबाल किया गया अजमेर शरीफ में। वहां उन्होंने जाके आर्टिस्ट लोगों से मुलाकात की और उनके साथ जो थोड़ा बहुत शुगल भी किया, उनके साथ थोड़ा सा फन भी किया। तो ये तमाम मामलात में आपका जो एक इस पूरे मामले का जो एक मुस्लिम पर्सपेक्टिव है वो भी, और जिसको जाहिर है कि पाकिस्तान अपना एक एक एजेंडा आइटम समझता है ओवरऑल वेलफेयर का, यही वजह है कि आप कश्मीर के मुसलमानों पर और भारत के मुसलमानों पर जो जो कुछ वाकयात हुए उस पर आवाज उठाई है। तो इसको उस हवाले से तो पाकिस्तान को भी वेलकम करना चाहिए कि बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात से न सिर्फ ये कि बांग्लादेश के मुसलमानों को फायदा होगा बल्कि इंडिया के जो मुसलमानों को थोड़ा बहुत आपको वहां भी आप ये समझ मैं समझ सकता हूँ कि एक बेहतर एक आप एक आउटकम उनके लिए भी समझ सकते हैं और वहाँ के लोगों को जो एक
ऐसे लोग जो कि मुसलमानों के बारे में और इस्लाम के बारे में को अपनी कुछ नादानिस्ते तौर पर अगर कुछ गलत बातें समझते हों, तो हसीना शेख उस मामले में एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं। एक खातून वजीर आजम, एक मुस्लिम मुल्क की खातून वजीर आजम, मुस्लिम खातून, वो जाकर अपने एक मुल्क को इतने स्ट्रांगली अगर रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट फॉर पाकिस्तान और और एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर। अच्छा फैज साहब, इसमें ना एक और एंगल ये वो ये है कि भारत से तो ताल्लुकात हम कहते हैं कि पता नहीं ठीक होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैं मेरा अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भारत से तो शायद मैं समझती हूँ ताल्लुकात अच्छे और खराब होते रहते हैं, यानी अच्छे भी होते रहते हैं, तिजारत भी कभी शुरू हो जाती है, इस तरह की कोई रिलेशंस भी हो जाते हैं, आना जाना। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि बांग्लादेश से तो इतने भी अच्छे हमारे ताल्लुकात कभी नहीं हो सकते। क्या आप समझते हैं कि कभी पाकिस्तान के ताल्लुकात बांग्लादेश से जो है वो अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ माजी के फैक्टर्स हैं, कुछ हिस्ट्री भी शामिल है, देख, माफी शाफी हो ये हो हाँ, सकते हैं। इसमें जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इसमें कुछ चीजें जाहिर है कि उनकी तरफ से भी ऐसी हैं जो इसमें माने हैं, इसमें ब्लॉक ब्लॉकर्स हैं, इम्पेडिमेंट्स हैं जो कि हमारे सामने मौजूद हैं। इसमें सिर्फ पाकिस्तान ही का मामला नहीं है। पाकिस्तान जाहिर है चाहता है कि एक ब्रादर इस्लामी मुल्क बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुक अच्छे हों, लेकिन एक माजी में जो कुछ हुआ वो हमारे लिए भी अफसोसनाक है, वहां के लोगों के लिए भी अफसोसनाक है। काश ऐसा नहीं होता। लेकिन देखिए, बांग्लादेश एक बड़ा यूनिक मुल्क है। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं तो आप ही देखिए कि जब बंगाल को ईस्ट और वेस्ट में तकसीम किया जा रहा था प्री पार्टीशन, तो मुसलमानों ने और मुस्लिम लीग ने उसकी मुखालिफत की थी। उसकी वजह यह है कि बंगाल ओवरऑल एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस था। यही हाल पंजाब का था। पंजाब में भी जो है जब ईस्ट और वेस्ट की तकसीम हुई तो मुस्लिम लीग ने और मुसलमानों ने उसकी मुखालफत की, और आपने देखा कि दोनों तकसीम का नतीजा बहुत खौफनाक निकला, पंजाब के मुसलमानों के लिए भी और बंगाल के मुसलमानों के लिए भी, और आज तक आप उसके नताइज भुगत रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि बांग्लादेश का पाकिस्तान के लिए, तो चलिए एक जो भी आप उस पर तबसरा करें या जो भी आपका एक ओपिनियन हो, जो टू नेशन थ्योरी की जो थी एक, बहरहाल एक उसकी एक बुनियाद थी। मैं उस बुनियाद के बारे में बहुत ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बुनियाद थी कि मुसलमानों को अपनी एक स्टेट चाहिए। लेकिन बांग्लादेश का बनना जो है उसकी, और उसमें जो इंडिया का जो किरदार रहा वो तो बिल्कुल वाजे है, उसमें कोई दो राय आपने नहीं है। उसके बात बावजूद भी, हाँ, उसके बावजूद भी बांग्लादेश एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री के तौर पर साउथ एशिया में मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि प्रॉस्पर कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ी यूनिक इसकी तारीख है और बड़ा यूनिक इस वक्त उसकी सिचुएशन है। अच्छा, एक बात और भी आप भी देखिए कि हम पाकिस्तान से भी जो भी जैसे भी ताल्लुक, इतने बुरे भी नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म जोशी भी नहीं है, लेकिन ये कि भिजवाए, ट्रक भिजवाए जी इमदाद, सैलाब जी हाँ, सदगार इमदाद, जी जी बिल्कुल, इमदाद वहां से आई है। अच्छा, फिर एक और बहुत अहम पहलू है इसका, और इसमें जो हमारे कराची के खुसूसन जो ताजिर ख्वातीन हजरात हैं, आपको मालूम है कि उनकी बहुत सी तिजारत विया बांग्लादेश होती है। यानी बहुत से लोगों ने जो जब यहाँ हालात खराब हुए तो अपनी या तो उन्होंने फैक्ट्रीज वहां पर शिफ्ट की हैं बांग्लादेश, पाकिस्तानियों ने, और वहां पर अपना अपनी मसनूआत बना के वहां से एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को और अमेरिका को। और कुछ लोग ऐसे भी हैं ताजिर जो कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को विया बांग्लादेश, मेड इन बांग्लादेश, फ्रॉम बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का के पास यूरोप और अमेरिका का बहुत बड़ा कोटा है, वहां पर इनको एक फेवरेबल स्टेटस मिला हुआ है यूरोप में भी और अमेरिका में भी। तो खुद पाकिस्तानी जो ताजिर बिरादरी है, अब आप उसको कुछ भी कहें, जुगाड़ कहें या, लेकिन वो भी उसका यानी बांग्लादेश की इस वेल बींग का फायदा, जैसे मैंने इससे पहले अर्ज किया था, वो यहाँ की ताजिर बिरादरी भी और यहाँ की लेबर भी उठा रही है। अब इसमें थोड़ी सी अगर चीजें फॉर्मलाइज हो जाएं, और मुझे लगता है कि देखिए हो सकती हैं, इंडिया के साथ भी आपके बेहतर ताल्लुकात हो सकते हैं, क्योंकि अब आप इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, फिर इसमें आप ये देखिए कि ओवरऑल जो ठीक है, मोदी साहब का अपना एक डोमेस्टिक एजेंडा है, वो उनके कुछ सियासी तकाजे हैं, कुछ सियासी मजबूरियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये देखें कि बहुत सी चीजें ऐसी हुई हैं जो कि अरब ममालिक के इन्फ्लुएंस की वजह से और दीगर जो फैक्टर्स हैं उसकी वजह से मामला उस नहज पर नहीं पहुंचे जहां आप कहें कि बहुत
आपको बहुत ज्यादा तश्वीश हो, चीजें संभल रही हैं। अगर वो संभलती हैं तो पाकिस्तान के पास भी एक इंसेंटिव है कि वो इसको सिलसिले जुम्बानी को, इस बातचीत को आगे बढ़ाए, और वहां से तिजारत, अभी मिफ्ता इस्माइल साहब आपके वजीर खजाना है, उन्होंने बाकायदा बात की है, खुलकर कहा कि जी इसमें कोई हर्ज नहीं है कि ना सिर्फ इस मौके पे जबकि हम इस बुरी आफत में फंसे हैं, बल्कि आइंदा भी भारत से तिजारत की जाए। और फिर आपने कुछ फेवरेबल कमेंट्स इवन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी देखे हैं, दबे दबे अल्फाज में, सही, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर रहा है। फिर जैसे मैंने भी आपसे अर्ज किया कि फॉरेन ऑफिस ने अभी जो बात की है, आज ही गालिबन इनका स्टेटमेंट आया है कि ये तिजारत इंडिया के साथ हो सकती है, तो इसका फायदा सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया को नहीं पहुंचेगा। जैसे कि मैंने कहा कि बांग्लादेश और भारत का फायदा सिर्फ इन दोनों ममालिक को नहीं, बल्कि पूरे रीजन को, पूरे खत्ते को पहुंचेगा, ये पूरे का पूरा खत्ता ऊपर बढ़ेगा। और जब पूरा खत्ता ऊपर बढ़ेगा तो मैं और आप जैसे लोग जो हैं, और हमारे वहाँ जो रिश्तेदार और जो बेचारे दोस्त अहबाब जो मुश्किल का शिकार हैं, कम अज कम एक कॉमन आदमी को, एक आम शख्स को एक बहुत बड़ा फायदा पहुंचेगा इन तजारती मामला के आगे बढ़ने से, चाहे वो बांग्लादेश के जरिए हो या चाहे भारत के जरिए हो। हमारा फोकस इस वक्त एक आम आदमी की वेल बीइंग और उनकी बेहतरी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा सफर कर चुके हैं, बहुत ज्यादा सफर कर चुके हैं। और इस वक्त जो हालत हो रही है सैलाब में, आप ये देखें कि अगर हमारी इन हमारी जो करीब तरीन ममालिक हैं, अगर उनको उनसे हमको मदद ना मिले और हम उनके साथ अपने मामला सही करके आगे ना बढ़ सकें, तो ये बेचारे तो बिल्कुल बहुत बुरी तरह मारे जाएंगे हम सब। तो ये जरा माफ कीजिएगा, मेरे पास कुछ बिजली का मसला हो गया, ये जी रूम जी बिल्कुल आई थिंक फ्यूज नहीं, उड़ गया। बिल्कुल फैज रहमान साहब, आपने बहुत पॉजिटिव बातें की हैं, बहुत जबरदस्त। और मैं भी ऐसे ही समझती हूँ कि बजाय इसके कि अगर दो कंट्रीज जो हैं वो मिल रहे हैं, और उस ठीक है आपकी उनसे कुछ तारीख, हिस्ट्री, पास्ट मौजूद है, और आपके ताल्लुकात अगर बेहतर नहीं है, तो आप उसको एक ऐसी नजर से देखें कि आप कहें कि भाई हमें तो बहुत ज्यादा जलन हो रही है, या ये क्या हो गया ये। तो बहुत बहुत जबरदस्त आपने बात की कि कोई भी ऐसी ताल्लुकात जो होते हैं दो कंट्रीज के बीच, उसका फायदा जो है वो दूर दूर तक फिर जाता है, और आम लोगों तक जब पहुंचता है फायदा, तो बांग्लादेश के आम लोगों को भी अगर फायदा होगा, तो इंसान है तो अच्छी बात है कि ठीक है फायदा होगा। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच फैज रहमान साहब। अच्छा टॉपिक था, और थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर।